नमस्कार, ठीक भारती में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कोई ज़मीन बेच रहा है या कोई ज़मीन खरीद रहा है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, गांव में कौन ज़मीन बेच रहा है या कौन ज़मीन खरीद रहा है, गांव या शहर किसी भी क्षेत्र, अब यहाँ पे बहुत सारे लोग पता करना चाहते हैं, क्योंकि अपने पड़ोसी के बारे में जानना ज़रूरी होता है। या कई बार यह होता है कि कोई ज़मीन बेच रहा है, फिर हो सकता है अगली बार ज़मीन बेचे, तो उससे आप संपर्क कर सकते हैं। तो कैसे पता करें, अब कई बार होता है लोग बताता नहीं है, तो इसके लिए बिना किसी से पूछे आप डायरेक्ट ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। इसमें कोई झूठ नहीं है, पूरी सच्चाई मिलेगा। और कितना बेचा है, कहाँ पे बेचा है, कौन सा ज़मीन, वहाँ पे खाता नंबर, सब कुछ यहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगा। ठीक, कैसे पता करें बिना किसी से पूछे, क्योंकि लोग बताता नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आपको अपने सिंपल गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सर्च आइकन पर क्लिक करेंगे, भूमि जानकारी, यहाँ पे आप देखेंगे मैंने सर्च किया है। इस भूमि जानकारी को आपको सर्च करना है, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो फर्स्ट वेबसाइट आ रहा है, बिहार भूमि गवर्नमेंट ऑफ बिहार, यहाँ पे क्लिक नहीं करना है। फिर यहाँ बिहार का संपत्ति पंजीकरण विवरण, इस पर भी क्लिक नहीं करना है। आपको थर्ड वाले वेबसाइट, यहाँ पर प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स ऑफ बिहार, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, चाहे तो आप डायरेक्ट वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। उसके बाद में क्या करना है, इस पर आपको इस वेबसाइट वाले मतलब वेबसाइट पे क्लिक करना है, या आप चाहे तो यहाँ एडवांस सर्च पर डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एडवांस सर्च पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे डिटेल्स आएगा, तीन पॉइंट आएगा। एक में है कि 2005 से पहले के विवरण चेक करना चाहते हैं, तो इस आइकन पर टिक करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर 2006 से 15 के बीच के चेक करना चाहते हैं तो इस पर टिक करेंगे ले। और अगर 2016 के बाद अर्थात वर्तमान समय का, 2016 या उसके बाद, यानी वर्तमान समय का भी चेक करना चाहते हैं, 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22 अर्थात वर्तमान समय का चेक करना चाहते हैं, तो फर्स्ट वाले पर टिक करना है। और इस पर टिक करने के बाद आपको डिटेल्स भर देना और उसके बाद में चेक करना। सबसे पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन ऑफिस सेलेक्ट कर लेंगे, आप अपना आपका जो हो वहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पर कोई भी सेलेक्ट करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर्टी लोकेशन आता है, उसमें बहुत सारे ब्लॉक आ जाते हैं, कई बार आपका रजिस्ट्रेशन ऑफिस का भी नाम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाता है, मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे सर्कल आता है, तो सर्कल कौन सा है ये भी देख लेंगे, जो आपका हो उसको सेलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पर दरभंगा रूरल सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद मौजा आता है, तो मौजा जो आपका होगा उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, कभी कभी होता क्या है, यहाँ पर सेलेक्ट करने में सर्कल और मौजा पर क्लिक करिएगा ना तो नहीं आएगा, थोड़ा सा इंतज़ार कर लेना है, थोड़ा बाद में ट्राई करना है, उस समय क्या आना ही तो वेबसाइट को रिफ्रेश करना है, तब क्लिक कीजिएगा तो आएगा यहाँ पे नाम, नहीं तो कई बार होता है सिर्फ ऑल आएगा। ठीक है, तो ऑल आएगा तो आप लोग कहेंगे कि नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, नहीं तो डेस्कटॉप साइट करके ही इसको करना है। ठीक है, अब इसके आप यहाँ पर सर्च करेंगे, उसके बाद यहाँ पर नीचे में देखेंगे दो ऑप्शन आ रहे, एक सर्च का एक रिसेट, और आपको क्या करना है सर्च पर क्लिक कर देना है। इस सर्च पर जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद में थोड़ा सा वेट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे रिजल्ट शोइंग ओनली बुक टाइप वन, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन फाउंड 210 दिखा रहा है, प्लीज इंटर मोर डिटेल्स ऑफ नरो सर्च, यानी यहाँ पे अधिक जानकारी के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक हेयर फॉर व्यू डिटेल्स पर क्लिक करके देखेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक हेयर टू व्यू डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर सर्च हो गया। अब यहाँ पर नीचे की तरफ स्क्रोल करेंगे तो यहाँ पर देखिए आ रहा है ऑप्शन, आपको क्या करना है, ऑप्शन जैसे देखेंगे ना तो यहाँ पर आ रहा है पूरा डिटेल्स कि किसने खरीदा है, किसने बेचा है। यहाँ एग्जीक्यूट में यहाँ पे क्लाइमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लाइमेंट का मतलब हो गया कि किसने लिखवाया है ज़मीन, एग्जीक्यूटेंट मतलब हो गया किसने बेचा है, यहाँ पे बेचने वाला हो गया और एक खरीदने वाला हो गया। इसी तरह हम इसके बारे में अगर पूरा इसका विवरण जानना चाहते हैं तो यहाँ पर व्यू डिटेल्स पर क्लिक करेंगे कि किसने, और उसके बाद प्रॉपर्टी डिटेल्स, यहाँ पे कौन सा एरिया में आता है, सर्कल कौन सा है, जैसे दरभंगा ग्रामीण, मौजा अंधारी, उसके बाद खाता संख्या 919, प्लॉट नंबर 2308, एरिया 14.5 डिसमिल, लैंड टाइप रजिस्ट्रेशन मतलब आवासीय है, लैंड वैल्यू यहाँ पर देख सकते हैं, मोर यहाँ पर पूरे इसका दाम भी दिया गया है। अब इसके बारे में अगर डिटेल्स जानना है तो यहाँ पर क्या करेंगे, व्यू डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर देखेंगे ऊपर में आपका यहाँ पर डीड डिटेल्स आ गया, यहाँ पर डॉक्यूमेंट में रजिस्ट्रेशन ईयर कब हुआ है, रजिस्टर बुक नंबर क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं कब ये डी मतलब रजिस्ट्रेशन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे 21 अप्रैल 2022 को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन, फिलिंग डेट, रजिस्टर मतलब ये सब कब हुआ है, यहाँ पे कहाँ पे हुआ है, ऑफिस कौन है, दरभंगा में हुआ है, सेल कन्वर्टर यहाँ पर किसने सेल किया है। ठीक है, उसका यहाँ पर जैसे यहाँ पर देखिए पूरा उसका नाम दिया हुआ, लिखने वाला MD हारून है। ठीक है, उसका विलेज अंधेरी,
पुलिस स्टेशन सदर डिस्ट्रिक्ट दरभंगा है, ठीक है। लिखाने वाला का नाम नीचे है, क्लाइमेट मतलब लिखवाने वाला, और एग्जीक्यूटेंट मतलब लिखने वाला कौन है, यानी एक नंबर वाला लिखने वाला हो गया और दो नंबर लिखवाने वाला। यहाँ पे देखेंगे एग्जीक्यूटेंट से यहाँ पहचाने, कई बार ऊपर नीचे भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर उसका पूरा डिटेल्स है। उसके बाद में यहाँ पे और नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं सीरियल नंबर दिया है, रजिस्ट्रेशन या टोकन नंबर सब कुछ है, और प्रॉपर्टी यहाँ पे पूरा दिया हुआ है, लैंड टाइप कौन सा है। उसके बाद में यहाँ पे चौहद्दी भी दिया हुआ है, दरभंगा रूरल के अंतर्गत अंधेरी थाना पे कौन सा है, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। खाता नंबर देख सकते हैं, प्लॉट नंबर देख सकते हैं, एरिया कितना ज़मीन बेचा है, ये सब कुछ पता कर सकते हैं। इसके चौहद्दी अगर उससे पता नहीं चला है कौन सा ज़मीन बेचा है, तो आप उसके चौहद्दी से मिलाइए। जैसे उत्तर में यहाँ रास्ता दिखा रहा है, आप पश्चिम में उसका निज मुखीज मतलब उसका अपना है जिसने लिखवाया है, ठीक है। उसके बाद नॉर्थ में यहाँ पे हड्डी एंड अदर्स यहाँ पे लिखा हुआ है, और दक्षिण में यहाँ पे रास्ता लिखा हुआ है। इस तरह सबका यहाँ पे डिटेल्स आएगा। मैं बैक करके और दिखा दे रहा हूँ, मैं नीचे की तरह स्क्रॉल करता हूँ, अब चाहता हूँ मैं एक यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ये चार नंबर पर हम क्लिक करेंगे और इसके डिटेल्स आप जितना का चाहें उतना का पता कर सकते हैं। इसका रजिस्ट्रेशन कब हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, कौन सा ज़मीन है, कहाँ पे है, सब कुछ आप देख सकते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही नए धमाकेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।